हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबीटी वालों का, जो कि काफी सारे डाउट्स थे, कमेंट्स थे। देखिए, एक चीज मैं पहले ही बता दूं, आप लोग ही बहुत शांत हो जाते हो पहले कि अगर आपसे कुछ शेयर ना किया जाए, और वहीं अगर कुछ शेयर ना किया जाए, कुछ बताया ना जाए, तो आप लोग कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने लगते हैं। बाकी वो आपकी मर्जी है, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। तो ये दुनिया है, ये संसार है, इसमें कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके अंदर अच्छाई देखना चाहेंगे, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बुराइयों को ही हमेशा देखेंगे। तो ऐसी चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, और मुझे इग्नोर करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजें सबको पता होती है। बाकी ऑल द बेस्ट। बात करेंगे कि जो भी टोटल केसेस हैं जीबीटी पे, चंडीगढ़ जीबीटी वाले पे, और स्पेशल एजुकेटर का जो कि 17 तारीख को हियरिंग थी जिसपे स्टे लगा हुआ था, उस पर बात करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑन जीबीटी इस पे बात करेंगे, और पॉसिबल और एक्सपेक्टेड जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल केसेस ऑन जीबीटी। टोटल केसेस ऑन जीबीटी, टोटल केसेस ऑन जीबीटी की बात करें तो टोटल 9 केसेस हैं जीबीटी पे। अभी जाते जाते 2-3 केसेस मतलब अभी रिसेंटली हो गए हैं ईएसएम और उसके, तो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, और आप खुद भी देख सकते हैं ये सारी चीजें। बट मुझे जितना बताना चाहिए मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन सा केस किस चीज को लेके है और उसका अपडेट क्या है अभी तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंजलि जी का केस, ठीक है। अंजलि जी का केस बात कर लेते हैं जो कि बहुत दिनों से चल रहा था। तो ये केस लगभग इलिजिबिलिटी को लेके था, ठीक है। इस केस का मामला क्या था, ये इलिजिबिलिटी को लेके था, और ये डिस्पोज्ड हो गया लगभग, ठीक है, ये डिस्पोज्ड हो गया मामला। और वहीं बात करें, डिस्पोज्ड हो गया, मैं इतना बताऊंगा आपको कि देखिए कई बार बुलाया गया, ना तो एप्लीकेंट प्रेजेंट हुआ, मतलब अंजलि जी भी नहीं प्रेजेंट हुई, बाकी ऊपर से अंजलि जी के भी ऊपर पुराना केस एक मतलब चंडीगढ़ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी किया था, जो कि मामला चल रहा था। तो अभी इसका इनका केस जो मामला है ये जनरली डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है केस। अब आगे की बात करें, दूसरा केस है साक्षी मलिक और अदर्स को लेके, ठीक है, साक्षी मलिक एंड अदर्स। ये केस बात करें तो ये भी इलिजिबिलिटी को लेके है, ये भी इलिजिबिलिटी को, किसकी इलिजिबिलिटी को लेके, बीएलएड को, ठीक है, ये बीएलएड को लेके है। बीएलएड वालों का केस जो है, ये भी मैं अगर आपसे शेयर करूं तो बीएलएड वालों का जो मामला है वो रिजर्व कर लिया गया है। रिजर्व के केसेस में 2 केसेस होते हैं। देखिए, रिजर्व में ये होगा कि जिन भी स्टूडेंट ने केसेस किए हैं, मतलब लगभग मेरे हिसाब से 7 या 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिसमें उस केस में नाम है इनका, जिन्होंने केस किया है, बाकी इनका ऑर्डर अभी तक नहीं आया, पता नहीं, ये रीजन नहीं पता मुझे। जैसे ही ऑर्डर अपडेट होगा मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा इनका मामला क्या होगा। 2 केसेस बनते हैं इसमें ऐसे कि इनका जो जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको रिजर्व करके होल्ड करके रखा जाए, और जब ऑफर लेटर लिखा जाए उसमें उनके ऑफर लेटर में मेंशन कर दिया जाता है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा ये सारी चीजें इन पे अप्लाई होंगी, ठीक, या तो होल्ड कर दिया जाए इनको। 2 केसेस बनते हैं, ये भी बता दिया मैंने। तीसरा केस की बात करूं, सौरभ का है, भैया सौरभ कुछ करके नाम है, यहां किसी के नाम को, एक चीज मैं बता दूं, किसी के नाम को इंडिकेट करना या ऐसा कोई मेरा पर्पस नहीं है, बस केस का मकसद कौन कौन है उसमें, मतलब केस के बारे में मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये केस है, आप इसको नाम को जाने ही दीजिए, ये है ओबीसी गुर्जर का केस है, ठीक है, ओबीसी गुर्जर का केस है। और वही बात करें चौथा केस, चौथा केस जो है ओबीसी कास्ट को ही लेके है, ओबीसी कास्ट को ही लेके है, जो कि है लुहार, ठीक है, ये लुहार के लिए है। वही बात करूं, एक और केस है गुर्जर का, 2 केस है, ठीक है, गुर्जर का 2 केस है और एक लुहार का है। वही बात करूं, एक ओबीसी का और केस है गदारिया करके, ठीक है, गदारिया करके इनका केस है। वही बात करूं, अब एक और केस है ओबीसी को लेके जो कि जुलाहा, ठीक है, जुलाहा करके है, ये भी है। और एक केस और है, बात करें स्पेशल डीएड को लेके, ठीक है, स्पेशल डीएड को लेके। वही बात करूं, एक केस है ईएसएम को लेके, ठीक है, ईएसएम को लेके।
तो देखिए यहां से मामला समझिए, टोटल 9 केसेस हैं, मैं फिर से डिटेल में बता देता हूं आपको, टोटल 9 केसेस हैं। पहला अंजलि जी का मामला है, एलिजिबिलिटी को लेकर था, जो कि केस है जो है वो लगभग डिस्पोज हो गया है, ठीक है। और वही बात करूं, एक केस और है जो कि एलिजिबिलिटी को लेकर है, बीएड को लेकर है, इनका भी मामला कोर्ट रिजर्व में है, ठीक है। जैसे डिसीजन आएगा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। वही तीसरा मतलब गुर्जर के, गुर्जर से 2 केसेस हैं जो कि ओबीसी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग मिसमैच है, तो ये क्या होगा, ऐसे केसेस मर्ज हो जाते हैं एक साथ, ऐसे केसेस मर्ज होके इनका डिसीजन आ जाएगा बहुत जल्दी। वही बात करूं, एक ओबीसी लोहार करके है, एक गदारिया करके है, एक जुल्हा करके है, तो लगभग कास्ट के ही, अगर मैं बात करूं तो कास्ट के ही लगभग टोटल 6 केसेस हैं जेबीटी पे, जो कि समझ लीजिए इनका निपटारा कभी भी मतलब ऑन द स्पॉट बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो भी कास्ट से रिलेटेड हैं, देखिए स्पेलिंग वाले जो 60 यूटी लिस्ट है ओबीसी की कैटेगरी की, अगर आप उसमें नहीं आते तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसके लिए उनको नोटिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन चेंज करना मतलब आप समझ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी स्पेलिंग मिसमैच में थोड़ा सा केसेस बनता है, बाकी वो कोर्ट के ऊपर डिसीजन है, इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जो भी कोर्ट डिसीजन देगा उस पर हमें मानना पड़ेगा। और वही बात करूं, अभी एक नया केस हुआ है स्पेशल डिगेट को लेके हुआ है, जो कि अब देखिए उसका डेट कब लगती है, हियरिंग कब लगती है। वही ईएसएम को लेके एक केस हुआ है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, तो टोटल ये 9 केसेस थे जेबीटी की। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर की, कि उनका जो मामला था आज क्या हुआ। तो देखिए मोटा मोटा इतना ही समझिए, स्पेशल एजुकेटर की जो बात थी आज, जो हियरिंग थी उसमें क्या हुआ कि इसमें बस आज सुनवाई हुई, जो भी हुआ अभी उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन इस मतलब आप इतना समझिए कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट और कोर्ट भी इतना फास्ट मोड में काम कर रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग हुई है केस की वो कल हुई है, 18 तारीख को ही, मतलब आज भी सुनवाई हुई और हो सकता है 18 तारीख मतलब कल भी इसकी सुनवाई होगी, और कल इसको मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेटर का जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था स्पेशल एजुकेटर का मामला। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कह रहे हैं कुछ लोग न्यूज़पेपर की कटिंग में पहले देखेंगे अक्टूबर में ज्वाइनिंग होगी, अब धीरे धीरे न्यूज़पेपर की कटिंग में देखेंगे तो नवंबर में चीजें जाती हुई। तो ये क्या चीजें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी अकॉर्डिंग टू मी। देखिए बोलने वाले बोलेंगे, उनका काम है बोलना, बाकी आप यहां से अच्छी चीजें क्या है खराब चीजें हैं आप डिसाइड करिएगा, और जो चीजें आपको एक्सेप्टेबल हो वो चीजों को एक्सेप्ट करिएगा, बाकी अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैं चीजों को आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहले ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, जेबीटी है, पीजीटी है, वही बात करूं एनटीटी है, और एक हो गई टीजीटी। वही बात करें स्पेशल एजुकेटर, ये टोटल 5 पोस्ट हैं जिसकी जिसके लिए हायरिंग चल रही है, किसकी किसकी, जेबीटी की, पीजीटी की, एनटीटी की, टीजीटी की और स्पेशल एजुकेटर। देखिए अब बात करते हैं पहले जेबीटी के, जेबीटी का लगभग पूरा मामला तय हो गया है, इनका जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है बस इनकी एक एलिजिबल और इन एलिजिबल की क्या आएगी, एक नोटिस आएगी जिसमें इतने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इतने कैंडिडेट्स इन एलिजिबल हैं, बाकी उसके बाद इनका ऑफर लेटर आना है। तो इनका मामला क्लियर है लगभग, जेबीटी का भी, वही बात करें पीजीटी का भी लगभग मामला क्लियर है। तो जेबीटी और पीजीटी का ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले जो भी काम होगा इन्हीं पे होगा, जेबीटी और पीजीटी, जो भी ऑफर लेटर कह लीजिए या जो भी नोटिस आएगी इलिजिबल और इन एलिजिबल को लेके। वही बात करें एनटीटी का भी लगभग हो चुका है इस राउंड के बाद, मतलब ये सेकेंड राउंड, उसके बाद जो बुलाए गए हैं 20 तारीख को, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उस वो नोटिस जो आएगी रिमार्क लिस्ट की, उसमें भी नोटिस एक और आएगी इनके लिए, एनटीटी वालों के लिए, उसमें लिखी रहेंगी चीजें प्रॉपर, और हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन मेंशन हो जाए कि इसके बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है। वही बात करें टीजीटी का भी वही हाल है, टीजीटी की भी लगभग चीजें कंप्लीट है, मतलब 70-80% चीजें कंप्लीट है, तो एनटीटी और टीजीटी के बाद उसके बाद नंबर आएगा। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो इसकी हियरिंग है, हियरिंग कब है ये आपको भी पता है, मैंने बताया कि 18 तारीख को उसकी हियरिंग है, वहां से मामला क्लियर हो जाएगा। बाकी आप कोर्ट केसेस जो थे मैंने बता दिया, बहुत सारी चीजें बहुत इधर उधर नहीं होनी है कुछ भी, मतलब बहुत जल्दी निपटारा के कोर्ट केसेस के होने वाले हैं। अब डिले
डिले क्यों हो सकता है? आप लोग कह रहे थे कि डिले हो सकता है, मैं आप लोग बोलेंगे कि पहले इतना बोल रहा था, पहले इतना बोल रहा था, तो इसके लिए भी मैं बता दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज होती है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें दी जाती है। एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता होता एग्जैक्ट, जो भी सोर्सेस या जो भी बातें होती हैं बाहर आती हैं उससे पता चलता है। बाकी भगवान अगर सब चीजें मुझे ही पता रहे तो फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं और जरूर उम्मीद करता हूं कि उसी के आसपास चीजें कुछ होती हैं। मैंने कहा था आपसे कि 20 तारीख के आसपास आपको कुछ भी ना देखने को मिलेगा। देखिए 20 तारीख को आपको एंटिटी का मतलब आज 17 तारीख है, लगभग 18-19 हो सकता है कल टीजीटी का भी कुछ आ जाए, तो ऐसी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। और इनका 10-15 दिन ऐसे ही और एक लिस्ट आएगी, ऐसे ही करके लिस्ट आएगी, तब जाके सब बराबर हो जाएंगे और इधर धीरे धीरे स्पेशल एजुकेटर का भी मामला क्लियर हो जाएगा, तब जाके आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग की बारी आएगी। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब टाइम क्यों लग सकता है, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग में प्रमोशन को लेकर बात हुई है, ठीक है, प्रमोशन को लेकर बात चल रही थी कि हमें प्रमोशन चाहिए। जो कई साल से 7-7, 8-8 साल से टीचर थे, 6-6 साल से थे, 5-5 साल से थे, उनको भाई बिल्कुल प्रमोशन चाहिए, सबको चाहिए। अगर आप उनकी जगह होते तो आपको भी प्रमोशन चाहिए। तो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने यह भी बात कही अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर कि हम अब प्रमोशन का भी काम करेंगे, प्रमोशन का भी काम करना है, तो जिसकी वजह से एक फैक्टर ये होता है डिले का। अब प्रमोशन की वजह से क्या इसका रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, देखिए प्रमोशन होके पहली बार जितनी वैकेंसी थी जेबीटी टीजीटी पीजीटी एनटीटी की वो पहले से ही डिसाइडेड थी, वो वैकेंसी खाली है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे जो भी जिनका भी मान लीजिए पीआरटी वाले जो या जेबीटी वाले थे, ठीक है, अगर जीबीटी वाले जो एलिजिबल होंगे, जिनके पास डिग्री होगी, प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, ये प्रमोट होके जाएंगे टीजीटी पे, बिल्कुल चाहेंगे। और टीजीटी वाले किस पे जाना चाहेंगे, टीजीटी वाले पीजीटी पे जाना चाहेंगे, और पीजीटी वाले किस पे जाएंगे, वो हायर पोस्टेस पे जाना चाहेंगे, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उस पे जाते हैं। तो पीआरटी वाले टीजीटी के लिए जाएंगे, अगर कब जाएंगे, जब इनके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तो पीआरटी वाले टीजीटी में जाएंगे, टीजीटी वाले पीजीटी में जाएंगे, पीजीटी वाले हो सकता है हायर पोस्ट के लिए जाएं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें होंगी। इससे जैसे मान लीजिए मेरा ट्रांसफर, मेरा प्रमोशन हो गया, तो कहां पे कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से स्कूल में कहां पे खाली है, कहां किस स्कूल में कहां पे कितने टीचर्स की जरूरत है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इस बात से प्रमोशन से ये सारी चीजें क्लियर होंगी और चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा और उसके बाद ही हो सकता है आपको इधर उधर जो भी करे, मतलब प्रमोशन का काम तो बहुत तेजी से हो रहा है, तो किस स्कूल में किसको भेजना है ये सारी चीजें हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको भेजी जाए। तो मेन मकसद यही है। बाकी इसके थ्रू आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कई बार चर्चा हो चुकी है कि जेबीटी की या टीजीटी की पीजीटी की नई वैकेंसी आने वाली है, तो एक मकसद इसका ये भी है कि इससे ये भी पता चलेगा कि नए फ्रेश रिक्रूटमेंट कितनी है और कितनी पोस्ट पे जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो निकाली जा सकती हैं। तो ये था मामला। बाकी मैंने अपने बेस्ट चीजों को समझाने की कोशिश की, आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। और वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद जय भारत।